हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये देखिए, मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना दिखा रही हूँ। इसे कैसे बनाया वो भी हम बताएंगे। इसे हम लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चे के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, जैकेट में, लेडीज़ जैकेट में, किसी में भी इसको हम डाल सकते हैं। सिंगल कलर में, दो कलर में, तीन कलर में, जैसी हमारी इच्छा हो इसको हम डाल सकते हैं। तीन तीन फंदों से, ये हमारा तीन तीन फंदों का, तीन फंदों के मल्टीपल से ये हमने नाइन फंदे मैंने बनाए हुए हैं। ये भी नाइन फंदे हैं, ये भी नाइन फंदे हैं। बीच में मैंने, क्योंकि मैं एक जैकेट बना रही, स्वेटर बना रही हूँ फुल, तो उस फंदों के हिसाब से, जितने फंदे थे उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया है। तो ये तो हमारे नाइन नाइन हैं। थ्री थ्री के मल्टीपल से हम इसको थ्री से वे 12 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 15 में भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा चौड़ा, और ऑल ओवर भी कर सकते हैं। इसको हम पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं। दो सिलाइयों का है और दो दो सिलाइयों के हिसाब से हम इसको कई रंगों में भी डाल सकते हैं, कलर मैचिंग मिला मिला कर, और हम इसको कई रंगों में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो मैंने इसमें 11-11 फंदों का गैप दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जितने फंदे थे उसके हिसाब से मैंने इसमें एडजस्ट किया है। तो ये मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। ये 11 फंदे हैं, फिर ये 9 फंदे हैं, फिर ये 11 फंदे हैं, फिर ये 9 फंदे हैं, ये 9-9 का है। मैंने आपको बताया आप इसको 9 फंदों से 11 बनना, ये 3 फंदों में हैं, दो सिलाई का एक डिब्बी है, दो दो सिलाइयों से फिर ये बदलती चली जाती है। तो इसको हम 12 फंदे में भी कर सकते हैं, 15 में भी, और अगर पूरी सिलाई में इसको डालना चाहे तो उसमें भी हम इसको डाल सकते हैं। इसको कैसे डालना है वो मैं भी बता रही हूँ। शुरू में देखिए, हम इसमें, अब इसको आपको दोबारा डाल के दिखाती हूँ। ये हमारे 11 फंदे, मैंने जो 11-11 फंदों का गैप किया हुआ, ये मैंने वो 11 फंदे प्लेन बना लिए। 11 मेरे फंदे बनाने के बाद, अब यहाँ पर ये देखिए, तीन तीन के मल्टीपल से तीन फंदे, ये तीन फंदे हैं, शुरू के तीन फंदे हैं। इन तीन फंदों को पीछे की साइड, इधर देखिए, ये हम पीछे की साइड तीनों फंदों को हमने एक साथ ले लिया। तीन का हमने पहले यहाँ पर एक किया, तीन का एक कर लिया, इसको थोड़ा हमने ढीला छोड़ा, लूज़ कर रखा है धागे को। फिर हम आगे करेंगे, ये हमारा दूसरा फंदा हो जाएगा। इसको ही, इन तीनों फंदों को फिर हम दोबारा फिर बुनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने इसको बुना लिया। तीन फंदों का हमने एक बारी में तीन किया, और दोबारा हमने तीन के तीन हो गए, तीन हो गए। अब नेक्स्ट, फिर ये तीन फिर फंदे फिर एक साथ लेंगे। तीन फंदे हमने ले लिए पीछे की साइड, पीछे की साइड को लेंगे हम इसमें। ये देखिए, हमने पीछे की साइड लेना है। तीन फंदों को ले लिया, तीन फंदों को फिर हम पीछे की साइड से ऐसे इसको तीन एक बार बनाया। ये थोड़ा, क्योंकि तीन का हमने एक करना होता है तो हमें टाइट लगता है, एक बना लिया इसको, एक फंदा। अब धागा हमने आगे किया, दो फंदे हो गए। दोबारा इन तीनों फंदों को फिर वैसे के वैसे फिर बनाना, जैसे पहला बनाया उसी तरह तीसरा फंदा फिर बनाना, धागा आगे करके। ये तो हमारे तीन के तीन हो गए, फिर ये तीन तीन फंदे, छः फंदे हो गए। अब ये तीन फंदे फिर लेंगे, लगातार हम इनको बनाएंगे। तीन फंदे लिए, तीन फंदों को पीछे की साइड से ऐसे, ये हम एक बार लूज कर ले धागों फंदों को। ये तीन का हमने यहाँ पर एक किया, इसको थोड़ा ढीला रखेंगे धागे को, फिर आगे करेंगे, और फिर यहाँ पर फिर दोबारा वैसे ही तीन का एक बना लेंगे। तो ये हमारे इस तरह 9 फंदे हो गए, 9 फंदे हमने ऐसे बना लिए। अगर हम 12 करते हैं तो तीन फिर इसी तरह ही कर लेंगे। अब ये करने के बाद फिर मेरा यहाँ पर 11 फंदों का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 फंदे बना लिए मैंने, क्योंकि 11 11 फंदों का। आप गैप 9 फंदों का भी कर सकते हैं, 8 फंदों का कर सकते हैं, वो आप अपने स्वेटर के हिसाब से जितने फंदे हों उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर वैसे ही करेंगे, ये शुरू के 3 फंदे हैं इनको थोड़ा ढीला कर लेंगे, ढीला करके पीछे की साइड तीनों को 3 का 1 बनाएंगे। बना लिया, धागे को लूज़ रखा, फिर हमने यहाँ पर धागे को आगे किया, फिर यहाँ पर वैसे ही 3 का 1 कर लिया। अब ये 3 फंदों से एक किया, एक फिर हमारे वही 3 के 3 फंदे बन गए। दोबारा फिर इन तीनों फंदों को एक बार हम ऐसे लूज़ कर लें ताकि हमें बनाने में दिक्कत ना हो। एक बार एक फंदा बना लिया, धागे को ढीला रखा, धागे फिर आगे कर लिया। अब ये जाली डालते हुए यहाँ पर हमने 3 बार, अब ये दूसरा फंदा बन गया, और अब ये पीछे से हमने तीसरा 3 बार, वही 3 से 3 बन गए। अब यहाँ पर फिर तीसरी बार, तो इस तरह हमारे ये 9 फंदे हो जाते हैं। ढीला कर लेते हैं इनको थोड़ा एक बार पीछे की साइड। ये तो मैं सिंगल कलर में डाल रही हूँ क्योंकि ऊपर जाके मेरे को 2 रंगों से डिज़ाइन डालना है दूसरा, और अगर इसको हम 2 कलर से 3 कलर से भी डाल लें इस डिज़ाइन को, बहुत सुंदर लगता है। बेबी बच्चों के लिए इसको डाल लें। अब ये लास्ट के हमारे पास 11 फंदे हैं, इन्हें हम फिर प्लेन बना लेंगे। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। उल्टी सिलाई में ये हमने पहले 11 फंदे बना लिए, और अब ये हमारे जो हमने 3 3 फंदे किए थे, 1 2 3 ढीले ढीले हैं, और इन्हें हम बना लेंगे 1 2 3, और ये फिर 3 सारों को उल्टा उल्टा हम बना लेंगे। तो इस तरह हमारी ये 2 सिलाइयों का एक बार पैटर्न है। अब नेक्स्ट सिलाई में कैसे बनाना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो 11 फंदे मेरे पास एक्स्ट्रा थे वो मैंने एक्स्ट्रा बना लिए, जो बीच बीच में मैंने गैप दिया हुआ है उसे हमने बना लिया। अब ये 9 फंदे आ गए हैं। अब इस 9 फंदों में से एक फंदा हम पहले वाला बना लेंगे, सिंपल बना लेंगे। अब उसके बाद 3 फंदे 1 2 3, इन 3 फंदों को लूज़ कर लेंगे पीछे की साइड से एक बार, ऐसे हमने इसको बना लिया। फिर धागा आगे किया पीछे से, फिर वैसे ही 3 का ऐसे बना लिया। अब ये फिर हम 3 फंदे 1 2 और ये तीसरे लूज़ कर लेंगे थोड़ा, अगर हमें टाइट लगे तो हम इन्हें लूज़ कर लेंगे पीछे की साइड 3 का। एक फिर एक धागा आगे किया, इसको दोबारा फिर बना लिया, यानी 1 से फिर हमने 3 बना लिए, वही 3 के 3 हो गए। अब पहले 9 फंदे थे, अब के यहाँ हमारी सिर्फ ये 2 ही डलेंगी क्योंकि एक फंदा हमने यहाँ पर रख लिया और पीछे के 2 फंदे ये सिंपल। तो इस तरह इससे हमारी ये तिरछी तिरछी चलती जाएगी। एक फंदा इधर हमने छोड़ दिया इन 9 फंदों में से, फिर 3 ये हो गए 4, फिर ये 3 हो गए 7, 2 फंदे हमने सिंपल बना लिए। अब बीच के 11 फंदे जो थे वो हम फिर बना लेंगे। तो पहले 2 छोड़ दिए लास्ट की साइड, शुरू में 1 छोड़ा, लास्ट में 2, 3 फंदे हमने छोड़ दिए। अब ये 11 फंदे ये हमने बना लिए, ये देखो सीधा ये चलती आ रही है। ये 11 फंदे बनाने के बाद फिर ये पहला फंदा हम बना लेंगे, सिंपल बना लेंगे। जो 3 फंदे थे 3 फंदों में से एक फंदे को हम सिंपल बना लेंगे। अब एक फंदा बनाने के बाद फिर 3 फंदों को एक बना लिया, धागे को आगे किया और फिर ऐसे इसको पीछे की साइड से दोबारा फिर बना दिया, वही 3
दूसरी बार फिर बनाएंगे। ये बना लिया, धागा आगे किया और फिर हमने पीछे की साइड बना दी। अब ये फिर दो फंदे रह गए। शुरू में एक फंदे को प्लेन बना लिया था, तीन तीन का ये बना लिया, लास्ट के दो फंदे बच गए, इन्हें हम सिंपल बनाएंगे। नौ फंदे हो गए, लास्ट के 11 फंदे अब हमारे सिंपल हैं। और अब हम पीछे की से सिलाई से बैक साइड से उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे, उसे हमें कुछ नहीं करना। अब ये हमने 11 फंदे थे बना लिए, अभी तीसरी डिब्बी डालेंगे। एक बार डाली, दो बार डाली, अब हम तीसरी बार बताएंगे। तीसरी बार जैसे हले फर्स्ट सिलाई मैंने बनाई है, सेम वही 11 फंदे डालते ही। अब यहाँ पिछली बार तो हमने एक फंदे को प्लेन बनाया था, यहाँ हम प्लेन नहीं बनाएंगे, शुरू से फिर डालेंगे। एक बार हमारी तीन बार करेंगे, एक बार दो बार करेंगे और तीन फंदों को प्लेन बनाएंगे। एक बार धागा आगे किया और फिर ये दोबारा फिर बना लिया, तीन फंदे हो गए। फिर यहाँ पर तीन का एक करते हुए तीन एक से तीन बना लेंगे, ये पीछे की साइड। अब ये बन गए नौ फंदे फिर हो गए। जैसे पिछली बार तो दो डाली थी, अब के हमने फिर तीन डाली हैं जैसे फर्स्ट में डाली थी। फिर ये 11 फंदे हमारे प्लेन हैं, इन 11 फंदों को प्लेन बना लेंगे। 11 फंदों को प्लेन बनाते हुए आगे फिर हम इसी तरह तीन फिर डालेंगे। तो ये एक बार मैं डालकर आपको फिर बता देती हूँ। ये 11 फंदे बना लिए, फिर ये शुरू से यहाँ पर एक बार धागा आगे करते हुए दोबारा, फिर यहाँ पर तीन फंदों से एक बार धागा आगे करते हुए तीन फंदे हो गए। फिर ये तीन फंदों का नौ के नौ फंदों पे डालना है। एक बार हम दो डिब्बी डालेंगे, एक बार तीन डालेंगे, बस इतना ही है। दो दो सिलाइयों का ये एक बार पैटर्न डलता है। ये डाल दिया हमने, ये देखिए आप इसे किसी भी बेबी फ्रॉक में, बेबी जैकेट में, किसी में भी, लेडीज में, जेंट्स में, किसी में भी इसको डाल सकते हैं। बना हुआ ये हमारा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैंने ये स्वेटर मैं बना रही हूँ, तो आज तो मैंने ये बीच का व्हाइट वाला स्वेटर डिज़ाइन बताया है, मैंने बॉर्डर में भी अलग डाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये बॉर्डर में बताऊँगी और उसे नेक्स्ट में इस स्वेटर का पूरा फुल मेजरमेंट बताऊंगी। मेरे सभी स्वेटर ऑर्डर पर ही होते हैं, जिस तरह मेरे को ऑर्डर मिलता रहता है मैं उसी तरह पर ही बनाती रहती हूँ। ये स्वेटर भी मुझे ऑर्डर पर मिली और फ़ोन में ही उन्होंने भेज दिया था कि इस स्वेटर को बनाना है, तो इसको मैं देख देख के बना रही हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय।